हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स के बारे में, जानेंगे कि कौन कौन से आपके एक्चुएटर्स के टाइप्स होते हैं, और सभी टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर डीपली स्टडी करने वाले हैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि एक्चुएटर्स कितने प्रकार के होते हैं, और सभी टाइप्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में अभी हमने पढ़ा कि एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स का जो है इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिए और इसके पहले वाली वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स के बारे में। एक्चुएटर्स पढ़ने से पहले आपका थोड़ा सा मैं इंट्रो करा दूं एक्चुएटर्स से, ताकि आपको जो है टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुएटर्स क्या होते हैं। एक्चुएटर्स वह डिवाइस होते हैं जो किसी सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी को डालने का कार्य करते हैं, जैसे जनरेटर को चलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो हैंडल होता है वो आपका एक्चुएटर्स कहलाता है। चलिए अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स के बारे में कि एक्चुएटर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बात करें हम एक्चुएटर्स के टाइप्स की, तो आपके एक्चुएटर्स जो हैं मेनली चार प्रकार के एक्चुएटर्स होते हैं। पहला आपका होता है मैकेनिकल एक्चुएटर्स, दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स, तीसरे टाइप्स की बात करें तो तीसरा आपका होता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, और चौथा आपका होता है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। तो हमने देखा कि जो आपके एक्चुएटर्स होते हैं मेनली वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमने देखा मैकेनिकल एक्चुएटर्स, दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स, तीसरा हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, और चौथा न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। चलिए इन सभी एक्चुएटर्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं और जानते हैं कि ये सभी एक्चुएटर्स क्या होते हैं। तो चलिए पहले टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैकेनिकल एक्चुएटर्स, यानी कि इसको हम हिंदी में यांत्रिक एक्चुएटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि मैकेनिकल एक्चुएटर्स क्या होते हैं। बात करें हम यहाँ पर मैकेनिकल एक्चुएटर्स की, तो मैकेनिकल एक्चुएटर्स ऐसे एक्चुएटर्स होते हैं जो रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, उन्हें ही हम मैकेनिकल एक्चुएटर्स के नाम से जानते हैं। यानी मैकेनिकल एक्चुएटर्स का कार्य होता है कि रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना। इसके एग्जांपल जैसे आपका गियर हो गया, रेल हो गई, पुली हो गई, चेन हो गए, और आपके अन्य डिवाइसेस हो गई, ये क्या होती हैं? ये सभी आपकी मैकेनिकल एक्चुएटर्स की ये एग्जांपल होती हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है मैकेनिकल एक्चुएटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर रोटेशनल मोशन का मतलब है कि ये जो आपकी गोल गोल घूमने वाली गति होती है इसको रेखीय गति में, यानी कि लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना ही आपका मैकेनिकल एक्चुएटर्स का वर्क होता है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं। आइए इसको भी हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं। बात करें हम आपके इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स की, तो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स ऐसे एक्चुएटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं
और उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं उसे ही हम इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल आपका एसी मोटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, ये इसके क्या हैं, आपके एग्जांपल हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स क्या होता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स हम किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स वह एक्चुएटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप आता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। अब समझते हैं कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं। बात करें हम आपकी हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की, तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स ऐसे एक्चुएटर्स होते हैं जो लिक्विड प्रेशर को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स ऐसे एक्चुएटर्स होते हैं जो लिक्विड के प्रेशर को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, यानी कि मैकेनिकल गति में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, वो आपके हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स कहलाते हैं। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं। हाइड्रोलिक एक्चुएटर जो हैं ये जो आपके न्यूमेटिक एक्चुएटर्स की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जहाँ पर पावरफुल फोर्स की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम न्यूमेटिक एक्चुएटर्स के स्थान पर हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे जहाज़ का जो गियर हो गया वहाँ पर हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का यूज कहाँ पर करते हैं। वहाँ पर हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा पावरफुल फोर्स की आवश्यकता होती है, वहीं पर हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप आता है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। चलिए जानते हैं कि न्यूमेटिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं। बात करें हम आपकी न्यूमेटिक्स एक्चुएटर्स की, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स ऐसे एक्चुएटर्स होते हैं जो कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करके रोटेशनल मोशन जनरेट करते हैं उसे ही हम न्यूमेटिक एक्चुएटर्स के नाम से जानते हैं। कंप्रेस्ड एयर का मतलब है कि जो वहाँ पर संपीड़ित हवा होती है या वायु होती है हम वहाँ पर उसका उपयोग करके रोटेशनल मोशन जनरेट करें तो वो आपका न्यूमेटिक एक्चुएटर्स कहलाता है। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपका न्यूमेटिक एक्चुएटर्स क्या होता है। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स जैसे नाम से ही आपका क्लियर है कि यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, एयर का यूज़ किया जाएगा। तो ये एक्चुएटर्स वायु का उपयोग करके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल जैसे आपका ग्रिपर हो गया, टाई रॉड सिलेंडर हो गया, ये सभी आपके एग्जांपल होते हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर्स का। तो आई थिंक आपको न्यूमेटिक्स एक्चुएटर्स भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेटिक्स एक्चुएटर्स में हम, यानी कि न्यूमेटिक्स एक्चुएटर्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि आपकी कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करते हैं और रोटेशनल मोशन उससे हम केवल जनरेट करते हैं, आपका न्यूमेटिक्स एक्चुएटर्स कहलाता है। आई थिंक आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि हाइड्रोलिक्स एक्चुएटर्स, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स और मैकेनिकल एक्चुएटर्स क्या होता है। चलिए एक बार हम पूरा सर रिकैप कर लेते हैं शॉर्टली में कि मैकेनिकल एक्चुएटर्स क्या होते हैं, ये सभी एक्चुएटर्स क्या होते हैं। बात करें मैकेनिकल एक्चुएटर्स की, तो ये क्या करते हैं कि लीनियर रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, वो आपके मैकेनिकल एक्चुएटर्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की बात करें तो
इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स कहलाते हैं। बात करें आपके हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की, तो इसमें क्या करते हैं कि जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसका उपयोग करके हम मैकेनिकल मोशन को यानी मैकेनिकल मोशन में परिवर्तित करते हैं लिक्विड के प्रेशर को। और लास्ट हमने अभी पढ़ा न्यूमैटिक एक्चुएटर्स, इसमें क्या करते हैं कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करके रोटेशनल मोशन जनरेट करने का कार्य करते हैं। तो आज का ये टॉपिक फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपको मेरे द्वारा समझाए गए ये टॉपिक समझ में आए या नहीं आए आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, उन सभी स्टूडेंट्स तक आप वीडियो शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ जहाँ आपके फ्रेंड्स हों और वे सभी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुँच जानी चाहिए। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।